अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त हम चप्पू वाली कायक पे जो है वो सफर कर रहे हैं और मजा आ रहा है भाई। पीछे हमारे वाजा बैठे हुए हैं। वाजा, क्या हाल है? ठीक हो? बस आपकी दुआएं भाई। वाजा, मैं दरअसल मुझे चलाना नहीं आती थी। वाजा का आज का बड़ा शुक्रिया कि वाजा ने जो है वो मुझे इस चप्पू में बिठाया और अब मुझे समंदर के जो है वो हम थोड़ा सा इधर ही किनारे किनारे में घूम रहे हैं और एक बोट रैली भी सामने आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत सी एक जो है वो बोट है और ये यहाँ पर जो है वो थोड़ी देर में जो है वो निकलेंगे मैंग्रोव के जंगलात में और वहाँ विज़िट करेंगे और विज़िट करने के बाद फिर मज़ीद हंटिंग वगैरह का भी इरादा है। और पीछे वाजा मेरे जो है वो बैठे हुए हैं माशाल्लाह से। वाजा, चलाने का अंदाज़ बड़ा अच्छा है वैसे आपका। वाजा, वैसे यही क्यों हो वाजा? अब्दुल रहमान गोट, ये करीब में ही है बलूचिस्तान में? अच्छा, बॉर्डर पर पड़ता है जी। इस वक्त हम डाम बीच पर हैं और ये सामने आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये बीच है। रेगिस्तान है, रेगिस्तान के साथ समंदर है और ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को जो है वो ये नेमत देखने को मिली है। और बाकी बड़ा मज़ा आ रहा है जी समंदर में बैठे हुए, और इसकी जो लहरें हैं वो इतनी ज़्यादा कोई रॉक्स नहीं है, बिल्कुल धीमी धीमी सी है। जहाँ पर तैराकू जो है वो जो सीखने वाले लोग हैं उनको यहाँ पर तैराकी में बड़ा मज़ा आएगा। बाकी सारे लोग यहाँ पे जो है वो इन्जॉय कर रहे हैं। सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये नज़ारा है और लोग यहाँ पर जो है वो भरपूर तरीके से इन्जॉय कर रहे हैं डाम बीच पर। और वाजा भी हमारे साथ हैं और इस वक्त हम चप्पू स्लो 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 चला रहे हैं। वाजा, मैंने सुना है यहाँ पे जो है वो डॉल्फिन वगैरह भी देखी जाती है। जी हाँ, बिल्कुल डॉल्फिन ही तो है, यहाँ पे साफ पानी है, साफ पानी में तो डॉल्फिन होते हैं। बिल्कुल हाँ, अभी हाँ। मैंने देखा था उधर वो यूं उछल के फिर डॉल्फिन यहाँ पे, क्योंकि मछलियाँ आती छोटी छोटी डॉल्फिन के पीछे आ जाती है। हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ पर हमारे जो अपने जो बीचेस है वहाँ के कराची के जो नहरी बीचेस है हाँ। वहाँ पे पूरी गंदगी फैली हुई है, इसलिए डॉल्फिन वहाँ पे नहीं आते। अच्छा, यहाँ पे छोटी छोटी मछली होती है तो डॉल्फिन पीछे आ जाती है। वाजा, बड़ी बड़ी बात कर दी वाजा। देखो, बड़ा अफसोस होता है कि ये डॉल्फिन अब बलूचिस्तान तक महदूद होके रह गई हैं। कराची में भी डॉल्फिन वाजा आती थी? कराची में बहुत बहुत आती थी। कराची में भी देखे डॉल्फिन? जमाने में हमारे बड़े बोलते थे कि बहुत होती थी वहाँ पे डॉल्फिन। अच्छा, किनारे पे आती थी। तो ये अब देखे ना जी, कराची को हमने खुद बर्बाद किया है, नदी नालों को सारे कनेक्ट कर दिए, समंदर के साथ जोड़ दिए, और साथ ही साथ जो फैक्ट्री का जो पानी है गंदा केमिकल वाला जो पानी है वो सारा का सारा पानी हम जो है समंदर में छोड़ते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो है वो पानी जो है वो सारा रहता है। ये भाई वाजा जो को वाजा ढूंढ रहे हैं, ये मेरे दोस्त है पुराने, इसके साथ मैं स्कूबा डाइविंग वगैरह करता था, किसर नाम का बंदा है। किसर भाई? हाँ, किसर भाई से मेरी बात हो चुकी है वैसे। रीप डाइवर वाले माशाल्लाह, क्या बात है, मैंने जिंदगी गुजारी है माशाल्लाह जी। भाई किधर भाई भी आ गए। किधर भाई, कैसा लग रहा है आपको? माशाल्लाह, हमने फुल एंजॉय कर रहे हैं, सीखा है और हमने इनके साथ जिंदगी गुजारी, इन्होंने हमारे साथ नहीं गुजारी। भाई ये पुराने दोस्त आपस में मिल गए और अब ये जो है वो बड़ी तवील गुफ्तगू करेंगे और हम जो है वो एंजॉय कर रहे हैं जी, डाम बीच पे चप्पू चला रहे हैं और मजे कर रहे हैं। पाकिस्तान की बड़ी अच्छी खूबसूरती है ये, सामने मेरे जो है वो रेगिस्तान है और इधर जो है वो समंदर है और हम जो है वो इधर चप्पू पे बैठे हुए हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पानी देखे, साफ़ सुथरा पानी है, आगे की तरफ जाएंगे तो और ज़्यादा साफ़ सुथरा पानी है और डॉल्फिन जो है वो उस तरफ हमें देखने को नज़र आती है। जब बोट पे जाएंगे तो इंशाल्लाह अगर कैप्चर हो गई तो ज़रूर दिखाएंगे, वरना तो फिर अल्लाह हाफिज़ जी, अभी से ही अल्लाह हाफिज़। मैंने वैसे अगर आप यहाँ पर आएंगे विज़िट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं, अगर आप दूर की आई साइड आपकी अगर अच्छी है तो आपको सामने से देखने को मिल जाएगी, यूँ उछलेगी और यूँ नीचे बैठेगी, फिर उछलेगी, फिर नीचे बैठेगी। माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत मंजर होता है, अल्लाह ताला की तरफ से दी गई एक बड़ी नेमत है जो पाकिस्तान को मिली हुई है। और टूरिज़्म के हवाले से पाकिस्तान अगर सही मायनों में काम करे तो यकीन माने पाकिस्तान का कर्ज़ा जो है वो उतर जाएगा। मैं हर वीडियो में कहता हूँ पाकिस्तान का कर्ज़ा उतारना मुश्किल नहीं है अगर पाकिस्तान की टूरिज़्म पर काम किया जाए तो।